हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो आज इसी खुशी में हम लोग भोलेनाथ पार्ट 5 बनाने जा रहे हैं। जल्दी से कर दो इस ब्लॉग को लाइक और आज चलते हैं शूट पे। ये देखो गाइस, रास्ते से हमारे बच्चे सब पेड़ हटाते हुए, अभी भी ये पेड़ शायद कहीं से गिरा है, यहाँ कहीं से कटा हुआ है, इसको भी हटा दो, ये किसी को लगेगा, एक्सीडेंट होगा किसी का। ये हमारी पार्वती भी कुछ काम कर रही है। गाइस ये देखो, अभी बारिश की वजह से शूट थोड़ा रुका हुआ है। सभी हम लोग इसका एक आसरा लेके यहाँ बैठे हुए हैं, जल्दी रुकेगा और जल्दी शूट फिर से होगा। तो बारिश के वजह से अभी शूट रोकना पड़ा बीच में, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और वापस जाते हुए इस रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं। शूट की लोकेशन ही यही है और प्रेम भी इसी के हिसाब से बनना, तो यहाँ कोई मंदिर नहीं है तो हम अपना खुद का मंदिर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। अब जल्दी दिखाते हैं आपको मंदिर बन के कैसा बनेगा। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद जाएंगे हम अलग प्रेम बनाने और उसके बाद होगा आगे का सीन और आपको दिखाते रहेंगे आगे के BTS। बने रहिए। आज कंप्लीट हुआ हमारे Day 1। बाकी बारिश ने बहुत काम खराब किया, फिर भी जितना हो सका आज मैंने शूट किया है। बाकी कल और परसों देखते हैं कितने में शूट होता है और आपको कल के हालात दिखाते हैं। आज के आपने देख ही लिए होंगे, मिलते हैं बाद में। यहाँ पे 3rd day और यहाँ पे सर ने आज गेटअप बना लिया है शिव जी का और इनकी तीसरी आग लग चुकी है जो कि हमारे लक्की भाई ने लगाई गई है और मैम इनको बहुत देर से तैयार कर रही है। तो गाइस जंगल में भी हो गई फिर से बारिश, आज तीसरा दिन हमारा काम कर रहे हैं, गेटअप पूरा है और बारिश आप देख रहे हैं कि बहुत तेज होने शुरू हो गई है। देखते हैं कहीं सर छुपाने जगह मिल जाए। यहाँ पे मैं कार का कवर लेकर आ गया हूँ ताकि कोई ना भीगे और हमारा गिम्बल भी सही रहे और महादेव जी भी और पार्वती जी भी और हमारी मैम। मैम हाउ आर यू? ये मेरा घर है। अच्छा मैम कब बनाया? ये जस्ट अभी हम ये पार्वती से फिर से गौरव बन चुकी हूँ। पार्वती से आप गौरव बन गए 2 मिनट में? कैसे? हमारे पास। अच्छा चलो कोई नहीं, महादेव जी कीप स्माइलिंग। ओके ये कार का कवर है जो चारों तरफ से लोगों ने पकड़ रखा है, ये देखो इतना मजा आ रहा है, सजा में लखी है ये स्कूल में। वैसे ये हमारा टेंट बन गया है, बारिश बहुत तेज से हो रही है, पता नहीं है शूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दो दिन से लगातार शूट हो रहा है, तीसरा दिन है आज, देखते हैं क्या होता है और मिलते हैं जल्दी आपको, सारा सीन दिखाते रहेंगे, ऐसे बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और अभी जा रहे हैं टीले पे जहाँ पर महादेव कैलाश पर्वत दिखाया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ के शॉट हो गए कंप्लीट और जा रहे हैं आगे को और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और अगर हाँ प्लीज ब्लॉग को लाइक करते रहिए। तो यहाँ पे हमारे महादेव जी आज राइडिंग करेंगे और सर आप कहाँ जा रहे हो ये तो बता दो।
सर अभी पूरा गेटअप साइड से दूसरे साइड में जा रहे हैं, तो बार बार मेकअप उतारना बार बार पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ही ड्राइव करेंगे। बारिश हो रही है लगातार, शूट अभी थोड़ा रुका हुआ है बारिश की वजह से। तो गाइस अभी हम रुके हैं एक छोटे से ढाबे पे, बारिश हो रही थी, अभी कंप्लीट हुआ है शूट आधा। तो दोस्तों आज शूट का चौथा दिन और पहाड़ों से अभी हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ को, प्लेन की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। रानी बाग का पुल भी टूट गया था, इसलिए रोक दिया गया था। भवाली होके हम घर पे पहुँचे, फिलहाल बारिश में रुक नहीं रही थी इसलिए शूट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अपने लोकल आज लालकुआ में ये गौरा नदी पे शूट कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर ऐसा कुछ फील बन जाए तो दिमाग से फ्रेम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये डे 5 और ये पार्वती का मेकअप होते हुए, ये देखो मम्मी का मेकअप होते हुए, ये हमारा गुफ्फू, ये डिपार्टमेंट ले रखा है हमने बिजली का, इंडोर शूट में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये देखो पूरा सेटअप यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है, इंडोर शूट है आज हमारा और मम्मी का मेकअप यहाँ संपन्न होते हुए अभी फिर से हो रहा है। दोस्तों ये रहा भोलेनाथ के 5वें भाग का व्लॉग, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।